राइट सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि वीडियो का थंबनेल लेके आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सोर की तरफ से कोई ब्रांड न्यू हेलमेट आया है, ब्रांड न्यू ग्राफिक्स के साथ है और बहुत सही ग्राफिक्स है। आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने ये ग्राफिक्स अभी तक देखे होंगे, क्योंकि जैसे ही ये ग्राफिक्स नए लॉन्च हुए स्टॉक भाई ने ले लिया। और आज की वीडियो में वही दिखाने वाले कि क्या नए ग्राफिक्स आए हैं वीडियो में और हेलमेट क्या ही दिख रहे हैं, मैट फिनिश में भी आए और शाइनी में आए, तो सभी वही दिखाने वाले। तो वैसे एज ऑलवेज हम लोग हैं आज मुरली के शॉप में और आप लोगों को पूरा स्टॉक दिखा दो। तो आई होप आप लोगों को सिनेमैटिक पसंद आया होगा। तो अगर सिनेमैटिक आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को वहीं पर लाइक कर दो और ब्लॉग में बने रहो। सॉरी एक सस्पेंस है, मतलब जो ये वीडियो में लास्ट में मिलेगा तुम लोगों की एक नया प्रोडक्ट है व्हिच इज वेरी यूजफुल इन रेनी सीजन एस्पेशली फॉर ऑल द बाइकर्स, ऑल द मेंबर्स हु राइड ऑन अ डेली बेसिस, वीकेंड राइड्स, शॉर्ट राइड्स, लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आपको ये वीडियो के लास्ट में पता चलेगा हेलमेट्स के न्यू ग्राफिक्स के बाद। सो प्लीज वॉच द ऑडियो टिल द एंड, विल बी हैविंग अ वेरी गुड प्रोडक्ट व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड इन द मार्केट फॉर ऑल द राइडर्स। यस, तो चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मुरली भाई बताओ कौन से नए नए हेलमेट्स आए, ग्राफिक्स आए? एज यू ऑल नो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेलो एवरीवन, तो ये है एक्सोर के कुछ नए ग्राफिक्स, अभी लेटेस्टली लॉन्च हुआ है। सो ये अभी फीचर्स में तो कुछ डिफरेंस है नहीं, फीचर्स इट इज़ द सेम एपेक्स मॉडल, एक्सोर एपेक्स मॉडल, सिर्फ इतना ही है कि ग्राफिक्स अलग अलग है सबके। बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स निकले एंड और अच्छे अच्छे ग्राफिक्स निकालने वाला है कंपनी। विल स्टार्ट विथ हेक्स 2। ये हेक्स 2 का नया ग्राफिक है विच इज़ ब्लू, ब्लैक ब्लू एंड रेड। तो इसमें फीचर्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना है कि ग्राफिक बहुत अच्छा प्यारा है, एकदम ही प्यारा बनाया। मतलब तो यू विल हैव अ लुक कि मतलब कंफर्ट वाइज तो एवरीवन नो कि मतलब हेलमेट का एक्सोर हेलमेट क्वालिटी वाइज भी सब कुछ अच्छा है। एंड विल ऐड मोर डिटेल्स, मतलब कुछ और न्यू मेंबर्स है जो मतलब इसके वीडियोस या व्लॉग्स देखते रहेंगे तो उनके लिए इसका फीचर्स एक शॉर्ट में मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, जो इसके ऊपर वाइजर्स पे ही लिखा रहता है कि क्या क्या है उसके फीचर्स करके। यू कैन सी इट्स अ स्पॉयलर ओवर हियर, तो स्पॉयलर मतलब ये होता है विच इज विच गिव्स अ एरोडायनेमिक एंड स्ट्रेट स्टाइल लुक टू द हेलमेट। एंड देन यू हैव एंटी स्क्रैच, एंटी स्क्रैच मतलब इसका जो वाइजर है उसके ऊपर एंटी स्क्रैच होता है, मतलब बहुत रेयरली कम चांसेस होते हैं कि उसका फाइबर का क्वालिटी इतना अच्छा रहता है वाइजर का तो स्क्रैचेस जल्दी होता नहीं है। देन यू हैव अ फैब्रिकाडा ABS, फैब्रिकाडा ABS मतलब ABS, फैब्रिकाडा इज़ अ मटेरियल विच इज़ मेड अप ऑफ अ शेल, मतलब जो शेल बनता है जिससे एंड ABS क्यूब्स रहते हैं। जब भी मतलब कोई राइडर फॉल मतलब गिर जाता है तो जो प्रेशर से गिरता है तो फिर उसको उतना फील नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए वो मटेरियल यूज़ किया जाता है कि टू हैव अ बेटर सेफ्टी फॉर द राइडर वाइल राइडिंग। देन वी हैव अ पिनलॉक 3D, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक शीट रहता है पिनलॉक 3D का जो आपको मैं दिखाता हूँ। तो दिस इज़ बेसिकली बी कॉल्ड एज पिनलॉक 3D एंटी फॉग पिनलॉक विच इज़ इन बिल्ट ऑन द हेलमेट एट द फर्स्ट टाइम। इसके बाद अगर इसको ख़राब भी हो जाता तो फिर भी ये अवेलेबल है मार्केट में, जो मतलब इसके अपार्ट और एक यूनिवर्सल भी एक वेगा ने लॉन्च किया है कि कोई भी हेलमेट में एंटी फॉग का यूज़ कर सकते करके। तो दिस इज़ बी कॉल्ड एज पिनलॉक 3D। Then we have a street style, मतलब post installation of the spoiler on the helmet, we'll have a very street style look for the look wise, photogenic wise, बहुत अच्छा look देता है, मतलब एक छोटा सा अच्छा vibe देता है कि यार यहाँ बहुत sporty look है करके। Then we have a Bluetooth compatible, Bluetooth compatible basically everyone को लगता है कि इसके अंदर Bluetooth already installed है, Bluetooth compatible which is very easy to install in the helmet, so इसके अंदर ही both राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड अपने ईयर्स के साइड में तो उसके अंदर एक इंस्टॉलेशन रहता है जो ब्लूटूथ के जो स्पीकर्स साइड में, जैसे अपने नॉर्मल ब्लूटूथ कैसे अपन यूज़ करते हैं सेम वे, मतलब वो ब्लूटूथ रखने के लिए वहाँ पे एक छोटा सा होल है जहाँ पे इजीली फिट कर सकते हैं। एंड इंटरकॉम या ब्लूटूथ दोनों वेरी इजी टू इंस्टॉल इन द एक्सोर हेलमेट्स एंड इट इज़ फुल्ली रिमूवेबल एंड वॉशेबल लाइनर्स, सो लाइनर्स इज बेसिकली अ पैडिंग, तो ये फुल्ली रिमूवेबल है। इसके टोटल 3 पीस रहते हैं, दिस इज़ 1, 2 एंड 3, तीनों निकाल सकते हैं एंड वॉश भी कर सकते हैं। वेनेवर कोई ऑफ रोड में गया या लॉन्ग रोड पे जाने के बाद बहुत सारे धूल मिट्टी होती है तो फिर वो टाइम पे इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव, तो वो एक है। सो दिस इज़ हेक्स के मॉडल, टोटल 3 है जो अभी मार्केट में अवेलेबल, तो फिलहाल 2 ही ग्राफिक है। सो वन इज़ रेड ब्लू एंड वन इज़ ब्लैक नियॉन ब्लू एंड वन मोर इज़ ग्रे, सो ग्रेइश कलर में आता है।
वो भी आ जाएगा, उसका भी ब्लॉग में कवर हो जाएगा मे बी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो दिस इज़ X2 मॉडल, इसका एकदम इन डिटेल मतलब व्यू एंड ऑल सब शेबास कवर करेगा उसके ब्लॉग में एवरीथिंग। देन वी हैव सम अदर न्यू ग्राफिक इज राइट फास्ट, सेम एक्स और एपेक्स मॉडल, ऑल साइजेस अवेलेबल, ऑल टाइप्स ऑफ वाइजर्स अवेलेबल, सेम फीचर्स, एवरीथिंग इज गुड। सो इसके भी दो रहते हैं, एक डल एंड ग्लॉसी। सो दिस इज बेसिकली अ ग्लॉसी, इसका एक डल फिनिश भी मिलता है, वो भी अवेलेबल है। सेम फीचर्स, नथिंग चेंज, ओनली द मॉडल इज डिफरेंट। दिस वन वी कॉल्ड एज X2 एंड दिस वन वी कॉल्ड एज राइट फास्ट। ओके, मॉडल मतलब सेम है, बस ग्राफिक्स में और ग्राफिक के नेम में अलग है। बस मॉडल में तो कुछ चेंजेस नहीं है, एपेक्स ही है सेम, और कुछ नहीं है। एवरीथिंग मैकेनिज्म इज सेम, वाइजर इज सेम, पैडिंग्स आर सेम, स्पॉइलर तो उसके साथ पहले से ही मिलता था, एवरीथिंग इज सेम। तो इतना ही कि ग्राफिक, बट बहुत प्यारा ग्राफिक्स है आपकी जो लॉन्च हो रहा है। ये थोड़ा बहुत दिखने में थोड़ा सा कार्बन टाइप दिखता है, नॉट कम्प्लीटली कार्बन, थोड़ा सा लुक, ये जो टेक्सचर है इसके वजह से, जो टेक्सचर है दिस इज थोड़ा बहुत कार्बन वाला फील आता है। एंड वन ऑफ द ग्राफिक, ग्राफिक ये नहीं बोल सकते मतलब ये ऑलरेडी लॉन्च हुआ है पहले, एक्सोर टर्बाइन आपको बताइए कि इसके पहले ऑरेंज रेड एंड नियॉन में आता था, देन अभी और एक उसने ब्लू में लॉन्च किया है, ब्लू एंड ब्लैक। दिस इज ऑल्सो वेरी कूल कलर, स्पोर्टी लुक, वेरी स्पोर्टी लुक। एंड ये हेलमेट्स बोला भी जाता है कि स्पोर्ट्स सीरीज के है, नॉट ऑन अ ट्रैक, फॉर राइडिंग एंड ऑल। ट्रैक के लिए आई डोंट थिंक, उसमें मतलब स्पीड बहुत रहता है, बहुत मतलब अगर स्केट भी हो गया तो वेरी प्रेशराइज भी जाते। तो अभी तक तो मैंने सुना नहीं कि एक्सल को मतलब इधर यूज करते हुए राइड फास्ट या फिर कोई भी मॉडल्स को ट्रैक में यूज़ करते हुए मैंने भी सुना नहीं है। आई डोंट हैव एनी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दैट, बट हाँ फॉर अ लॉन्ग टूर्स, शॉर्ट राइड्स, लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत अच्छा हेलमेट है एक्सो। एक्चुअली मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक्सो यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा कंफर्ट देता है, सेटिस्फाई होता है मतलब राइड करने के टाइम पर। वो वेंटी मिलना भी है ना वगैरह, एवरीबडी नो कि वी हैव अ वेंटी ऑन द टॉप एंड द बॉटम नियर चिन साइड, एंड ड्यूअल वाइजर्स तो इसमें रहता ही ऑब्वियसली। सो वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग आर द 5000, मतलब 5000 में इतना अच्छा हेलमेट विद अ गुड ग्राफिक, विद अ स्ट्रीट स्टाइल, एंटी फॉगिंग लेंसेज, देन ब्लूटूथ कंपैटिबल, ब्लूटूथ कंपैटिबल है। इफ एनीबडी वांट्स की इंटरकॉम इंस्टॉलेशन और ब्लूटूथ इंस्टॉलेशन, इट इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल, स्ट्रीट स्टाइल है, बेसिकली वी कॉल्ड अ स्पोर्ट स्टाइल, वेरी कूल हेलमेट जी सर। मतलब एक रीजनेबल प्राइस में पूरा फीचर्स अपने को मिलता है, मेरे को तो रीजनेबल लगता है यार। मतलब शेबास आजकल अपन जो भी राइड करते हैं, टेक अ वेरी गुड बाइक विच इज कॉस्टिंग अराउंड सबका तो 1 लाख के ऊपर ही है आराम से, अच्छा बाइक है तो ऑब्वियसली विल टेक अ वेरी गुड हेलमेट। तो अंडर 5000, अंडर 5000 मतलब इट्स बेसिकली 4994, बोलने के लिए 5000 है एकदम प्रिसाइज, एकदम प्रिसाइज करे तो 4994, 4994। इसमें कुछ और हेलमेट्स रहते हैं जो मतलब 5000 प्लस के रहते हैं, इट्स कॉल्ड एज लिमिटेड एडिशन, जो इसके पहले अपन ने जोकर कवर किया है, देन कार्बन इज 8000 जस्ट बिकॉज ऑफ उसका टेक्सचर थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, वेरी बहुत अच्छा लुक देता है ये पूरा, प्रॉपर कार्बन फाइबर लगता है इसके लिए। बाकी ये सब तो आपको पता ही है, अगर आपको मतलब कुछ डाउट्स है कि मतलब इसके अंदर और फीचर्स क्या है, मतलब अगर मैं 5000 डाल रहा हूँ तो वेदर आई एम सेटिस्फाइड विद द अमाउंट और नॉट, कि मतलब मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ बराबर है कि नहीं, आई कैन से कम्प्लीटली यू आर वेरी गुड सेटिस्फेक्शन इफ यू आर इन्वेस्टिंग 5000 ऑन दिस पर्टिकुलर हेलमेट, डैम श्योर बहुत अच्छा हेलमेट है। 5000 में और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन, डबल पैडिंग विद गुड सेफ्टी, पैडिंग इजीली रिमूव कर सकते हैं, एंड ये हेलमेट तो वेस्ट भी नहीं होएगा, क्योंकि अगर आपका पैडिंग भी खराब होगा तो कंपनी अपने को पैडिंग भी दे रहा है, वाइजर्स आ रहे हैं, तो मैकेनिज्म मिल रहा है, वाइजर्स मिल रहा है, छोटे छोटे एसेसरीज मिल रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो उसका रिप्लेसमेंट मिल जाता है अपने को, हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। एंड और एक है कि कंपनी इसमें दो लॉन्च करता है, जैसा डल और ग्लॉसी, ग्लॉसी में अगर उसके ऊपर कुछ एडिशन करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जो करने वाले मतलब प्रोफेशनल्स रहते हैं वो लोग कर लेते हैं। अगर इसका वही अपन डल लेते हैं तो डल में तो वेरी इजी यार, कोई भी कर लेता है, घर पे भी कर लेते हैं आजकल के लड़के लोग, तो मतलब उसके ऊपर कुछ ग्राफिक्स करना है, प्लेन सॉलिड जो है मतलब प्लेन ब्लैक एक्सोर का हेलमेट मैट, उसके ऊपर बहुत लोग करते हैं कुछ ग्राफिक्स। एक मैट ब्लैक भी अपने पास आया था ना, एक प्रॉपर एक पूरा मैट ब्लैक हेलमेट आ गया है अभी, और वो इतना सही दिख रहा है ना, लिटरली आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखो। सो दिस इज डल सॉलिड, मेरे को ये बहुत पसंद है ये हेलमेट स्पेशली, एंड ये बहुत कम मिलता है, क्या ही लुक दे रहा है यार ये, आई इमीडिएटली कैप्चर व्हेनेवर इट गेट्स इन द मार्केट। सो मतलब एक्सोर का पूरा कलेक्शन इधर है,
तो अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी हेलमेट आपको लेना है तो मैं आपको ना शॉप का एड्रेस जो है पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे मुरली का नंबर भी दूंगा, आप डायरेक्टली उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर उसके इंस्टा हैंडल पर आप डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे या फिर मुरली को किसी को भी मैसेज करके आप फ्रेंडली एकदम पूछ सकते हो। और एक छोटे प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने जान बोला था कि भाई एक प्रोडक्ट है जो बहुत यूज़फुल है और अभी मार्केट में बहुत नया ही आया है, वो तो मुरली रिवील करते हैं उसे। So here we come with some new products in the market, which is ARK helmet visor protector. अच्छा, मतलब जैसे अपना एंटी फॉग आता अंदर से आता है, बाहर से है। ये बाहर से तो इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ एंड एक ओपन करके भी बता दूँ कि ये चीज है क्या करके। I'll just show, just a second. वो कैम से ले लेंगे बाद में। दिस इज हेलमेट वाइजर प्रोटेक्टर ए आर के राइडर हु हैज मैन्युफैक्चरिंग दिस इन इंडिया। बेसिकली दिस इसका यूज़ क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज़ यू कैन सी ओवर हियर। तो इसके ऊपर ये जो लिया जा रहा है, ये वाइजर के ऊपर जो लिया जा रहा है, जो इसके पहले अपन ने पढ़ा था कि एंटी स्क्रैच, तो एंटी स्क्रैच के ऊपर भी और प्रोटेक्शन देता है अपने वाइजर को स्क्रैचेस वैचेस आने से फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग, इसकी बारिश के टाइम पे ये बहुत यूज़फुल है, स्पेशली बारिश के टाइम पे। और लॉन्ग रेंज पे जाते हैं तो थोड़ी प्लेसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पे बारिश मिलती है अपने को कभी कभी, तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। तो इट्स अ वन टाइम इंस्टॉलेशन, मतलब कर लेंगे तो बहुत अच्छी है। तो बेसिकली इट्स अ फ्लिम, बट ये फ्लिम में एक ऐसा है कि बारिश का पानी इसके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं, रुकता नहीं है उसके ऊपर। तो वो जो व्यू अपने को राइड करने के टाइम पे बारिश के टाइम पे जो तकलीफ़ होती है, पानी आता है तो वी हैव टू स्क्रब इट फ्रॉम आवर हैंड एंड ऑल वगैरह, तो वो करने की जरूरत है। इसके ऊपर बारिश भी कहीं आपको एकदम क्लियर व्यू दिखेगा व्हेन यू राइड योर बाइक। ये एक बहुत यूजफुल चीज़ है जो लेटेस्ट आया मार्केट में, वेरी इट इज़ सच अ बूमिंग इन द मार्केट, सच अ गुड प्रोडक्ट विच इज़ बूमिंग इन द मार्केट फॉर ऑल द राइडर्स करंटली। तो इसको मैं दिखा था कि इसके अंदर क्या क्या होता है। सो ये है वो फ्लिम जो अपने हेलमेट के वाइजर्स पे इंस्टॉल होता है, एंड इट्स अ यूनिवर्सल, छोटे से लेके बड़े हेलमेट सब में कर सकते हैं इसको। तो ये रहता है, ये होता है वो लिक्विड जिसके ऊपर मतलब ये इंस्टॉल करने के पहले वाइजर के ऊपर इसको स्प्रे किया जाता है, फिर उसके बाद उसको इंस्टॉल किया जाता है। एंड दिस इज अ स्क्रब जैसे उसको मतलब प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए, टू अंदर कोई बबल बबल ना आने के लिए। एंड एक छोटा सा क्लॉथ है टू क्लीन द वाइजर बिफोर इंस्टॉलेशन। दिस आर ऑल द प्रोडक्ट्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ARK फॉर द हेलमेट वाइजर प्रोटेक्टर। दिस सच अ नाइस प्रोडक्ट। तो मैं खुद पर्सनली एक बाय करने वाला हूँ इसको, मैं इसका आपको बोलते ना रिव्यू दे दूंगा कि कितना यूज़फुल है, क्योंकि मेरे तो बारिश में राइड चल ही रहे वैसे भी, आप लोगों ने देखे रहेंगे या फिर आगे भी और राइड आने वाले जो मैं अभी बारिश में करने वाला हूँ, तो तभी इसका मैं प्रैक्टिकल आपको रिव्यू दे दूंगा कि ये कितना यूज़फुल है। बाकी कुछ नया प्रोडक्ट देखने मिला है। ये तो तेरे हेलमेट में इंस्टॉल करने के टाइम पे तो एक वीडियो बना लेंगे कि मतलब हाँ इंस्टॉलेशन कैसा करना है उसका, चलेगा। अगर आप लोग को इसका इंस्टॉलेशन का भी वीडियो देखना है ना तो मेरे कमेंट में बता देना। एंड वन मोर गुड न्यूज गाइस कि वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च अ वेबसाइट वेयर यू कैन ऑनलाइन मतलब जिसको भी किधर भी ऑल ओवर इंडिया किधर भी ऑर्डर्स कर रहे हैं, तो ऑल छोटे से लेके बड़े प्रोडक्ट्स सब कर लेंगे हम लोग लिस्टिंग वेरी सून। इट विल गेट जस्ट पेंडिंग सम मोर बग, वी गेट इट एंड वेरी सून एंड विल गेट बैक टू यू विद द न्यू वेबसाइट। ओके, ये गुड न्यूज है बस अभी तो फिलहाल के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आज के ब्लॉग में आपको कुछ नया मालूम पड़ा होगा, कुछ नए प्रोडक्ट देखने के मिले, और ये तो सच में न्यू प्रोडक्ट था। मैं खुद इसको ट्राई करूंगा और आपको रिव्यू इसका दूंगा। ये दोनों प्रोडक्ट यानी जो हेलमेट नया है ग्राफिक्स के साथ, या फिर इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी आपको क्वेरीज है, आप मुझे या मुरली को डायरेक्टली आप मैसेज कर देना, आपको जो तुरंत रिप्लाई देंगे और जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी हम आपको रिजॉल्व करके देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।